HRTC बसों में महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगी 50% छूट। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन की बसों में महिलाओं को अब ऑनलाइन बुकिंग पर भी किराए में 50% छूट मिलेगी। निगम प्रबंधन निदेशक ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाली महिलाओं की सहूलियत के लिए पोर्टल पर इसे अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे अंतरराज्य सफर करने वाली महिलाओं को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। गुरुवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आज से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को निःशुल्क सतर्कता डोज लगनी शुरू। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद शुक्रवार से सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को निःशुल्क सतर्कता डोज लगानी शुरू हो गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश में शुक्रवार को 250 के करीब सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द लोगों को सतर्कता डोज लगाई जा सके। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमण के मामलों का बढ़ना है। प्रदेश में 8 फरवरी के बाद कोरोना के सबसे अधिक 422 नए मामले आए हैं, जबकि 191 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। 8 फरवरी को कोरोना के 62 नए मामले आए थे, जब कोरोना की तीसरी लहर पीक पर थी। आंगन में बने टैंक से पानी लेने गया था व्यक्ति, अचानक हो गया ये दर्दनाक हादसा। करसोग में पानी से भरे टैंक में डूबने से एक व्यक्ति की दुखद मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक करसोग उपमंडल के अंतर्गत उप तहसील बगशाट की ग्राम पंचायत मनोला नराश में 52 वर्षीय व्यक्ति देर रात मनरेगा टैंक से पानी निकालते समय बाल्टी समेत टैंक में गिर गया। इस दौरान व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान तेज राम पुत्र सल्फू के रूप में हुई है। वह देर रात को आंगन में बने मनरेगा के टैंक से बाल्टी में पानी लेने गया था। इस दौरान जैसे ही उसने टैंक से पानी निकालने का प्रयास किया तो वह बाल्टी समेत टैंक में गिर गया। मंडी कटेरू के समीप भूस्खलन के कारण सुंदरनगर करसोग नेशनल हाईवे बंद, यातायात ठप। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। जहां नदी नाले उफान पर है तो वहीं दूसरी ओर सड़क मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। ताजा मामले में देर रात मंडी जिला के बीचों बीच गुजरने वाला सुंदरनगर करसोग नेशनल हाईवे कटेरू के समीप भूस्खलन के कारण बंद हो गया, जिस कारण यातायात पूरी तरह से ठप है।